आज के इस वीडियो में हम ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें 16 साल की उम्र में ही शराब की लत लग गई थी, जिनके काफी लोगों के साथ अफेयर रहे हैं और उन लोगों में उनका सगा बाप भी शामिल था और उस बाप ने खुद अपनी बेटी के साथ अपने संबंध बनाए और अपनी बेटी के कई सारे रिश्ते भी तोड़वा दिए। एक ऐसी एक्ट्रेस जिनकी पूरी लाइफ विवादों में घिरी रही और वो एक्ट्रेस है पूजा भट्ट। पूजा भट्ट को उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनकी कॉन्ट्रोवर्सीज के लिए जाना जाता है। पूजा का जन्म हुआ 24 फरवरी 1972 को मुंबई में। पूजा के पिता इंडस्ट्री के एक जाने माने फिल्म मेकर हैं जिनका नाम है महेश भट्ट। पूजा का एक सगा भाई भी है जिसका नाम है राहुल भट्ट। फिल्म मेकर धर्मेश दर्शन, सुनील दर्शन, इमरान हाशमी, उदिता गोस्वामी पूजा भट्ट के रिलेटिव्स हैं। पूजा भट्ट की अगर पढ़ाई की बात की जाए तो उन्होंने कुछ खास पढ़ाई नहीं की, क्योंकि जिस समय उनकी पढ़ाई की उम्र थी उस समय उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया था और पूजा भट्ट अपने छोटे भाई के साथ अपनी माँ के पास रहा करती थी। तब उनकी माँ महेश भट्ट से अलग होने के कारण बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही थी। इतना ही नहीं, पूजा भट्ट ने 16 साल की उम्र में ही शराब पीना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उन्हें शराब की ऐसी लत लगी कि वो इसकी आदी हो गई। बाद में पूजा को एहसास होने लगा कि शराब छोड़ देना चाहिए वरना वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगी। उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो अब मरने की कगार पर है। पूजा भट्ट शुरू से ही एक्टिंग के फील्ड में जाना चाहती थी और यही वजह थी कि 12 साल की उम्र में ही पूजा भट्ट महेश भट्ट के साथ में फिल्मों के सेट पर रेगुलर जाने लगी। पूजा जब 17 साल की हुई तो महेश भट्ट ने उन्हें फिल्म डैडी से लॉन्च किया। फिल्म में पूजा भट्ट के काम की तारीफ हुई। इसके बाद 1991 में दिल है कि मानता नहीं में पूजा भट्ट को फिर से एक बड़े लेवल पर काम मिल गया। आमिर खान के साथ में ये एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इनके अफेयर्स की बात की जाए तो पूजा का पहले अफेयर शुरू हुआ राहुल रॉय के साथ में, जिनके साथ में पूजा ने एक फिल्म की थी। इस फिल्म का नाम था फिर तेरी मेरी कहानी याद आए। राहुल रॉय उस समय नए नए स्टार बने थे, लड़कियों का उन पर क्रश था और यही वजह थी कि पूजा भी राहुल रॉय के प्यार में पागल हो गई थी। महेश भट्ट को जब इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चला तो कहा जाता है कि महेश भट्ट ने पूजा पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया था, लेकिन पाबंदी के बाद भी जब पूजा और राहुल रॉय का रिश्ता टूटा नहीं तो महेश भट्ट ने अपने पावर का इस्तेमाल करके राहुल रॉय का करियर बर्बाद कर दिया था। उधर राहुल रॉय का करियर ढलान पर आया तो उधर पूजा भट्ट ने उनसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। राहुल रॉय से रिश्ता टूटने के बाद पूजा के नजदीकियों की चर्चा मिथुन चक्रवर्ती के साथ हुई। दरअसल मिथुन दा और पूजा भट्ट ने एक फिल्म में साथ काम किया था। फिल्म का नाम था ताड़ी पार। फिल्म के दौरान मिथुन और पूजा के बीच अफेयर की चर्चा होने लगी। हालांकि मिथुन दा उस समय शादीशुदा थे और महेश भट्ट ने इसी बात का फायदा उठाकर इन दोनों का रिश्ता भी तोड़वा दिया। दरअसल महेश भट्ट को जब पता चला कि मिथुन और पूजा के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है तो महेश ने मिथुन की वाइफ योगिता बाली से गुपचुप मुलाकात की और उन्हें मिथुन दा और पूजा के रिश्ते के बारे में बता दिया। इसके बाद मिथुन की वाइफ ने मिथुन से पूजा के साथ रिश्ता तोड़ने को कहा। फिर पूजा का मिथुन के साथ भी रिश्ता टूट गया। महेश भट्ट कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का रिश्ता किसी और के साथ में रहे, इसलिए जब भी पूजा किसी से रिश्ते में आती तो महेश भट्ट कुछ ना कुछ करके दोनों का रिश्ता तोड़वा देते। मिथुन दास से रिश्ता टूटने के बाद पूजा की लाइफ में आए आदित्य पंचोली। आदित्य पंचोली के साथ पूजा की लव लाइफ काफी ज्यादा चर्चाओं में रही थी, लेकिन उसके बाद पूजा के साथ एक ऐसा विवाद जुड़ा कि पूरे देश में हंगामा मच गया। एक मैगजीन के लिए पूजा भट्ट और महेश भट्ट ने एक लिपलॉक किसिंग सीन दिया। ये किस आज तक का सबसे ज्यादा घटिया किस माना जाता है, क्योंकि ये किस एक बाप और बेटी के बीच में हुआ था। इस देश की बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हाहाकार मच गया था। लोग महेश भट्ट और पूजा भट्ट की आलोचना करने लगे, उन्हें ट्रोल करने लगे, लेकिन दूसरी तरफ महेश और पूजा को इन सब ट्रोलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा एक बार जब मीडिया ने महेश भट्ट से इस किस के बारे में पूछा तो बेशर्मी से महेश भट्ट ने जवाब दे दिया कि इस किस में बुराई क्या थी। महेश भट्ट ने आगे कहा कि पूजा अगर उनकी बेटी ना होती तो वो उनसे शादी भी तक कर लेते। कई साल के बाद तक मीडिया में यही चर्चाएं होती रही, कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट होती रही। पूजा भट्ट महेश भट्ट के साथ रिलेशनशिप में है, इस तरह की खबरें हेडलाइंस बन गई। एक बाप और बेटी एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में थे और किसी ने भी इन दोनों के खिलाफ ना आवाज उठाई और ना बॉलीवुड में इन्हें कुछ कहा गया। उल्टा महेश और पूजा भट्ट को इंडस्ट्री में आज भी इज्जतदार लोगों में गिना जाता है।
फिर कई साल के बाद पूजा का नाम जुड़ा बॉबी देओल के साथ। बॉबी और पूजा साथ में कई फिल्मी पार्टीज में दिखाई देने लगे थे, कई इवेंट्स में दिखाई देने लगे थे। कहा तो ये भी जाता था कि पूजा बॉबी देओल के साथ में शादी करना चाहती थी, लेकिन उस समय बॉबी देओल की किस्मत अच्छी थी जो उन्होंने अपना सारा ध्यान पूजा से हटाकर अपने करियर पर दिया, क्योंकि उस समय बॉबी देओल का करियर अच्छा चल रहा था। बॉबी देओल की तरफ से ज्यादा टेंशन ना मिलती देख पूजा भी इस रिश्ते से पीछे हटती चली गई और इस तरह दोनों का रिश्ता टूट गया। बात अगर पूजा के करियर की जाए तो पूजा ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। सड़क, जन्म, जुनून, दिल है कि मानता नहीं, सनम तेरी कसम, चुप, रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट कुछ ऐसी फिल्में थी जो पूजा की एक्टिंग के लिए आज भी जानी जाती हैं। महेश भट्ट ने पूजा को अपनी बेटी नहीं अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया था, ऐसा कहा गया। पूजा सिर्फ उन्हीं फिल्मों में काम किया करती थी जिसे महेश भट्ट बनाते थे या जिसमें महेश भट्ट प्रोड्यूसर्स होते थे या फिर डायरेक्टर होते थे। हालांकि कुछ फिल्में पूजा ने बाहर के बैनर की भी की, लेकिन अपने पूरे करियर में 90% फिल्में उन्होंने अपने पिता महेश भट्ट की ही की। 1997 और 1998 के बाद पूजा का करियर ढलान पर जाने लगा, यानी कि फ्लॉप होने लगा। 98 में कभी ना कभी, अंगारे और जख्म जैसी फिल्में तो दी ही पूजा ने, लेकिन सारी की सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। इसमें जख्म मूवी एक ऐसी फिल्म थी जो थोड़ी बहुत हिट हुई थी, लेकिन उसमें पूजा का सपोर्टिंग रोल था। वैसे खुद महेश भट्ट भी यही चाहते थे कि दोनों बाप बेटी का जो नाजायज रिश्ता है वो दुनिया की नजरों में आता रहे। यही वजह थी कि दोनों बाप बेटी ने मैगजीन के लिए किसिंग पोज भी दी। और यहाँ पर सिर्फ महेश भट्ट को गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक इंसान के दिल दिमाग में अगर गंदे विचार आ भी रहे हों तो दूसरा उसे रोक सकता है, दूसरा उसे समझा सकता है। लेकिन पूजा ने अपने पिता के गंदे विचारों में न सिर्फ साथ दिया बल्कि गंदे और बेशर्मी वाले रिश्ते को जन्म भी दिया। लाखों करोड़ों लोग भी आज उन्हें अपना आइडल मानते हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। हालांकि अब इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई महेश भट्ट और पूजा भट्ट का रिश्ता कुछ इसी तरह का है या नहीं।